हम शुरुआत करते हैं, पूछना चाहेंगे पहले तो रुद्र को पूछना चाहेंगे। रुद्र, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, कैसे कैसे रहा है आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करने में, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया ये शो करते वक्त, क्योंकि इसके लिए मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना पड़ा और इसमें जैसे कि मुझे एक्शंस बहुत पसंद है तो इसमें मुझे एक्शंस बहुत सारे करने मिलेंगे। तो डायरेक्टर साहब ने बहुत सारा डांटा, कैसे हाउ इज एटमॉस्फेयर बी, इनका कैसा फील रहा है? नहीं अभी तक तो नहीं डांटा, अभी तक तो खाली हमें शाबाशी मिली है। आगे चल के और चैलेंजिंग होने वाला है, आपको लगता है कि आगे चल के और ज्यादा चैलेंजिंग होगा? हाँ, आगे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रुद्र के लिए, एक बार फिर लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बालाजी विश्वनाथ, माय गॉड व्हाट एन एंट्री, बेहतरीन, मतलब देखने से लग रहा है हमें, मैं वहां पे जब देख रहा था मैं रोंगटे खड़े हो गए। कैसा रहा है सर, बहुत ही बेहतरीन किरदार है, इसके बारे में आप बताएं, व्हाट्स बीन द एक्सपीरियंस? बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले जब मुझे मालूम पड़ा कि एक सामान्य आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा, जो अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया। मुझे ये रोल अपने आप में बहुत चैलेंजिंग लगा कि एक, क्योंकि अब तक जो हुआ है वो हमेशा ओवर द टॉप देखा है, अब ये है कि साधारण से वहाँ तक पहुँचना है, तो ये जर्नी आप समझ सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। तो डिड यू हैव टू अनलर्न कुछ चीज़ें, आपको कहा गया है कि कुछ इमोशंस आपने ऐसे देने हैं या फिर कुछ आपको अनलर्न करना है, ऐसे मत कीजिए, कुछ डायरेक्टर साहब ने या टीम ने क्रिएटिव इनपुट्स क्या रहे हैं? एक तो सीन इतना अच्छा लिखा हुआ आता है और जो हमारे वैभव जी हैं जो हमसे करवाते हैं और जो क्रिएटिव कॉल्स होते हैं, जो हमें जो बताया गया है पहले से, जो समझाया गया है, तो इतना आसान हो जाता है करना कि बह गए, वो नदी तैयार कर देते हैं, उसे आगे भेज देते हैं और हम उसमें रहते हैं और नाव की तरह बह जाता। ऑलराइट, एक बार जोरदार ताली, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक राधा भाई। मैं आई एम जस्ट स्पीचलेस, जो एक्सप्रेशंस जो आपके रहे हैं, जिस तरह से ये पहला एपिसोड, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द पहला एपिसोड हैज बीन अ माइंड ब्लोइंग वन? एक बार फॉर दिस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत रहा है। इज दिस बीन वन ऑफ द ड्रीम रोल्स व्हिच यू कुड प्ले? डेफिनेटली, एक तो इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस, वन घोड़े से गिर गई हूं एक बार, टू I am amongst five kids and three, it's a very strong character. Absolutely. Yeah. Brilliant. Zordar Dalia, let's give a big round of applause. Okay, Pallavi ji, you've been in the industry forever. Aapne itne acche acche kirdar nibhaye, is kirdar ko aap kaise dekhte hain? I mean, what has been the actual preparation for this? Mujhe bahut zyada preparation karna pada iske liye, kyunki meri zindagi ka ye pehla daily soap hai. आज तक मैंने जब वीकलीज हुआ करते थे, मैंने तभी बीच में काम बंद कर दिया था, तो ये पूरा वर्किंग कल्चर जो है डेली सोप का, ये एकदम से आई थॉट आई वाज हिट बाय अ स्टॉर्म इन द बिगिनिंग, बट हम सारे कास्ट जो हमारी है, द ब्रिलियंट कास्ट दैट वी हैव, मैं इन सब के थॉट्स के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग और कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं जो हमने किया नहीं है। थैंक्स टू माई फेस, इतने सालों में मैं कैमरे के सामने सिर्फ रोई हूँ, इस बार रुलाने वाली हूँ। सो एवरीथिंग दैट आई हैडन डन बिफोर, स्वॉर्ड फाइटिंग है, घोड़े पर यू नो हॉर्स राइडिंग करनी है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मेरे जितने भी सीन हैं उसमें एक अगर सीन छोड़ा तो मेरे सारे सीन सिर्फ मर्दों के साथ हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली शोइंग देम डाउन, सो somewhere the feminist side of me is also feeling very good about it. आपने इतना कुछ आपने इंडस्ट्री को दिया है, इन लोगों ने कुछ एडवाइस आपसे मांगा है कि हाउ डू वी अप्रोच द किरदार? Not at all, they're all such wonderfully you know the experienced actors and I it is a pleasure working with Anuja. I hadn't met earlier, हमने सिर्फ सुना था एक दूसरे के बारे में, but I'm so glad I met her. Manish of course is a wonderful actor. I've worked with Rahul earlier. And Sanjay ji ke saath kaam kar rahi hu, Yuri is there, so it's a wonderful cast. And of course this little Ayan, I've worked with him before, and this little one also. To bahut cast to bahut achhi hai, and I must say a big thanks to Vaibhav
वो मुझे बार बार रिमाइंड करते हैं. आई ट्राई टू गेट इन टू माई कम्फर्ट जोन वेयर आई एम स्माइलिंग एंड ही सेज यू आर नॉट सपोज्ड टू स्माइल. योर तारा भाई. ऑलराइट, औरंगजेब साहब, हाउ डज इट फील टू बी इन दैट कैरेक्टर? आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी हिम. इट्स नॉट सो इजी प्लेइंग द बिगेस्ट टायरेंट एंड द बिगेस्ट व्हाट डू यू कॉल evil soul of Indian history. Well, बात यह है कि अचानक डेढ़ दो दिन का भी मेरे पास नोटिस नहीं था और अचानक ये दानिश साहब का एक दिन मैसेज बजता है मेरे फ़ोन पे, सर औरंगजेब बन जाओ. मतलब आदमी का दिमाग घूम जाए, औरंगजेब बन जाओ. फिर धीरे धीरे समझ में आए कि अच्छा कहाँ बन जाओ, क्या क्या करना है. तो जो भी अगर थोड़ी बहुत सच्चाई इस किरदार को निभाने में नज़र आती है, अगर थोड़ी बहुत भी नज़र आती है, तो पूरा श्रेय मेरे निर्देशक को जाता है, क्योंकि मैं सच कहूँ तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इस किरदार के आसपास आने की. थैंक यू. आशीष जी ने बताया आपके किरदार के बारे में कि देयर इज गोना बी अ वेरी स्ट्रांग रिएक्शन, मतलब पब्लिक के. आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अगर लोग मुझे ना पसंद करें तो वही मेरे लिए अचीवमेंट हो जाएगी. और सच कहूँ तो इससे पहले मैंने बब्बू सर के साथ भी काम किया है, और मेरा थर्ड फोर्थ शो होगा सोनी में. तो थैंक यू सो मच सोनी, और मुझे हमेशा से ही अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका देते हैं. और ये कैरेक्टर मेरे लिए इजी भी है और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके का किरदार किया है, बट यहाँ पर मुझे वो सेम चीज़ें ना नज़र आए, उसलिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ रही है. और वैभव सर मुझसे बहुत ही अच्छा काम करवा रहे हैं. थैंक यू सो मच. वेरी वेल डन. इस एपिसोड में जो हम लोग ने देखा, उसमें एक बहुत बड़ी खास विशेषता थी, वो थी इसके डायलॉग्स. तो मैं चाहूँगी कि जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि शायद वो उनका जो सरनेम है उससे तो लग रहा है कि वो उत्तर भारतीय हैं, फिर उन्होंने मराठी मिश्रित भाषा कैसे लिखी? जी, भाषा में मराठी का मिश्रण अभिनेता ही कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती. ये नीलांजना बेहतर बता पाएंगी. एक्चुअली वी हैव अ कंसल्टेंट ऑन सेट, मिस्टर हिमांशु कोहली, एंड डिड आई गेट हिज नेम राइट? हिमांशु, राइट? या ऋषिकेश. मैं हमेशा ऋषिकेश को हिमांशु बोलती हूँ, सब बोलने लग गया अभी सेट पे उनको हिमांशु. ऋषिकेश कोहली जी, तो वो एक्चुअली रिहर्सल्स करते हैं एक्टर्स के साथ, उनके साथ लहजा वर्ड्स वो ऐड करते हैं. तो दिव्यनिधि ऑफ कोर्स इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग राइटर्स द इंडस्ट्री हैज टुडे, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम. माय क्वेश्चन इज टू द मेकर्स, सिंस वी नो दैट वी ऑलरेडी सॉ अ मूवी बाजीराव मस्तानी, सो माय क्वेश्चन इज, विल देयर बी अ फेज वेयर दिस स्टोरी विल गेट डाइवर्ट टुवर्ड द लव सागा, और इट विल बी रिमेन एज अ वॉरियर सागा? माय क्वेश्चन इज, आई विल जस्ट से वन थिंग. The brief for this show was to make a biopic, and that's what we are doing. We're making a biopic which covers, I think, every aspect of Peshwa Bajirao's life. So it's not just the warrior or romance. Just to add, I think that part of the story, the so-called love story, is a very small part of the big life that Bajirao lived. This show is about Bajirao's life, and there are big characters like Tarabai, Aurangzeb, you know, the entire Maratha Samraj history, okay, in those 40 years since Baji's birth. So I think that part of the story will be a very small part of this big biopic. That's the way, from a story point of view, not in terms of scale or anything. I'm just saying from a story point of view, it was a small film of 3 hours. It's a big film of 3 hours, in fact, in terms of size. But this will be a much more detailed biopic. So, first of all, a very congratulations to you all. But my question is to जो बाजीराव के पिता बने हैं, विच इज़ बालाजी. सो आपको चंद्रगुप्त मौर्य में भी देखा गया है, विच इज़ लाइक चाणक्य बने थे आप. तो इस रोल में आप बाजीराव के पिता बने हैं, विच इज़ यू नो एक बहुत ही इंटेंस लुक है. आप जो भी डायलॉग्स बोलते हैं बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कॉमन लोग. सो हाउ यू डू दैट? बिकॉज यू नो कैसे कर लेते हो? क्या खास रिसर्च करके या तो स्टडी की है आपने इस रोल के बारे में? ये सवाल ये सेट पे मस्ती मस्ती में करते रहते हैं, कैसे कर लेते हो यार?
कैसे करवा लेते हैं मुझसे ये सब इनके ऊपर इनका श्रेय इनको जाता है, ये मेरी कोई खास इसमें वो नहीं है। मैं बस छोटा सा अपना एक खड़ा हो जाता हूँ, ये बोलते हैं कर लो जैसे मैंने अभी बताया था, बस ये इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करने को मिला है जो मुझसे मार मार के ये करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यही करवाते हैं और आगे भी यही करवाएंगे। हाँ, इस बार ये ज़रूर है कि ये बुद्धिमान के साथ इस बार वीर भी है, तो अब तक बुद्धिमान किया, इस बार वीर भी बना दिया इन्होंने। हेलो, मेरा सवाल छोटे बाजीराव से है। आपने बाजीराव मस्तानी देखी है, ये मेरा पहला सवाल है। क्या आपने बाजीराव मस्तानी देखी है? और रणवीर सिंह के कैरेक्टर से मतलब आपका जो यंग है वो रणवीर सिंह ने प्ले किया था बाजीराव मस्तानी में, तो क्या आपने उन्हें देखकर कोई इंस्पिरेशन ली अपने किरदार के लिए? हाँ, ली है। तो क्या सीखा आपने उनसे, और मतलब क्या सीखा आपने रणवीर सिंह से, और क्या कुछ मतलब एक्शन के मामले में या फिर मतलब भाषा और लहजा अपनाने में क्या सीखा आपने उनसे? भाषा लहजा में नहीं, पर मैंने ये सीखा उससे कि हम कुछ भी कर रहे हैं पर उस काम में हमें डेडिकेशन होना चाहिए वो काम करने के लिए। सबसे पहले तो क्या खास बात होने वाला है इस शो की, क्योंकि लोग पहले बाजीराव मस्तानी देख चुके हैं, तो इस शो में जो है बचपन दिखाया जाएगा बाजीराव का, तो क्या खास होने वाला है कुछ ऑडियंस को थोड़ा? आपने जो देखा वो बाजीराव जहाँ पेशवा बनता है यानी फर्स्ट सीन में ही, लेकिन उससे पहले की कहानी कि पेशवा वो कैसे बनता है, वो सीट उसे कैसे मिलती है, वो कहाँ कितनी तैयारी उससे पहले कर चुका है, वो तीर जो उसने मारा था मोर के पंख में उसके लिए उसने कितनी तैयारी की है, बुद्धि वाइज भी और वीरता वाइज भी, वो सारी तैयारी उसके पैदा होने से लेकर यहाँ पहुँचने तक वो आपको दिखाएगा। आपका जो किरदार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों के जहन में रह गया पहली बार देखते ही, तो क्या प्रिपरेशन की थी आपने और क्या ब्रीफ दी गई थी? प्रिपरेशन मैंने थोड़ा सा अपना वजन कम किया और थोड़ा सा एक्सेंट जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है मराठी उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश की, और ये बहुरूपिया है, हर बार रूप बदल के जाता है, तो हर बार वैसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक मराठी टोन में ही बात करें, तो ये सारी थोड़ी सी तैयारी, और सबसे नॉर्मल चीज़ कि कॉमन मैन की तरह बात करें, लगे ही नहीं कि वो एक पहले से ही बहुत शूरवीर है या बहुत बुद्धिमान है, एकदम नॉर्मल आदमी जो रास्ते में एक चलता हुआ आप उसे कह सकते हैं कि वो झाड़ू वाला भी हो सकता है, एक माली भी हो सकता है, बहुत ही एकदम निम्न स्तर का आदमी है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा। मैम, आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है, तो आपके किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की और किरदार के बारे में थोड़ा कुछ हमारे ऑडियंस? मैं नहीं कहूँगी इमोशनल कैरेक्टर है, आई थिंक इमोशंस हर इंसान के होते हैं और जैसे सिचुएशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। सो व्हाट यू सॉ इज़ नॉट व्हाट राधाबाई इज़। सो राधाबाई इज़ वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी जिन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने पति से पति के आदर्श थे, उन्होंने अपने पति के पति से बहुत कुछ सीखा और वो सीख उनके जाने के बाद भी वो बाजीराव को देती रही, और आई थिंक दैट्स हर पेरेंटिंग टूवर्ड्स हर ओन चाइल्ड, जो जिसके वजह से जो सपोर्ट उन्होंने बाजीराव को किया, आई थिंक उसके वजह से ही कुड बिकम व्हाट ही वाज। सो यस, बीइंग इमोशनल और बीइंग लिटिल व्हाट डाइसी और एनीथिंग दैट इज सेंसिटिव, आई थिंक सेंसिटिव हर औरत होती है, एंड दैट इज़ व्हाट शी वाज अ वेरी कॉमन येट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर। कहीं ना कहीं वुमेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इसके अंदर, तो प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि जो है पहले के ज़माने में औरतों को इतना जो तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो प्राउड फील कर रहे इस बात को लेकर? ऑफकोर्स, आई थिंक उस ज़माने में ये भट्ट फैमिली बहुत ज़्यादा लिबरल थी, जिन्हें अपने ओपिनियंस प्रदर्शित करने का एक हर किसी को मौका दिया जाता था, देयर वाज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं जो मानती हूँ जो मैं करती हूँ वो मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता था, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी अगर आप देखोगे इतिहास में हर जगह औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो घटता आया है दिन ब दिन घटता आया है और अभी भी कई सारी जगहों पर वो कम है ये दिखाई देता है, तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू दैट एरा, लर्न समथिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट एरा एंड स्टार्ट
doing that. Right. आपसे जानना चाहेंगे अपने किरदार के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने और कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? अपने किरदार के लिए जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, बाजीराव एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और एक बहुत ही बड़ा घोड़सवार तलवारबाज था। वो उसका जो बिहेवियर था वो कैसे रहता था, उसका रहन सहन कैसा था, अपने माता पिता के साथ उसका क्या व्यवहार था, ये सब जाना है मैंने उसके बारे में। और एक मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी है इसके लिए और अभी शॉर्ट फाइटिंग सीख रहा हूँ। राइट, अपने रियल लाइफ से कितना मैच करता है? आप रियल लाइफ में कैसे, ऑडियंस को थोड़ा कुछ अपने रियल लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरह के इंसान हैं आप? एक्चुअली रियल लाइफ में मैं उतना स्टबर्न नहीं हूँ जितना इस सीरियल में दिखाया गया कि बाजीराव कितना फियरलेस था, कितना ब्रेव था।